हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनु छाबड़ा। आज मैं दिखाने वाली हूं इस इंडियन मेकअप लुक का ट्यूटोरियल। ये लुक आपके बहुत सारे इंडियन आउटफिट्स के साथ जाएगा, स्पेशली अगर कोई रेड आउटफिट है और आप ज़्यादा बोल्ड आइज नहीं चाहते हैं, एक हिंट ऑफ रेड चाहते हैं, तो डेफिनेटली आपको ये लुक बहुत ही अच्छा लगने वाला है। गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल और स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मैंने अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लिया है और मॉइस्चराइज कर लिया है। पॉन्ड्स का मॉइस्चराइज़र आजकल मैं यूज़ कर रही हूँ, बहुत ही अच्छा है। देन मैं अपने अंडर आई एरिया को कंसील कर रही हूँ और मैंने यूज़ किया है मेकअप रेवोल्यूशन का कंसीलर इन द शेड C10। इससे मैं अपने डार्क स्पॉट्स को भी कंसील करूँगी। इसे मैं ब्यूटी स्पॉन्ज की हेल्प से ब्लेंड कर लूँगी। ये ब्लू हेवन का ब्यूटी स्पॉन्ज है। इस लुक को मैंने अपनी कलर चैलेंज मेकअप वीडियो में क्रिएट किया था, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। इफ़ यू वांट आप चेक कर सकते हैं। फॉर माय फाउंडेशन आई एम यूजिंग लॉरियल इनफॉलिबल फाउंडेशन और इसमें मैं मिक्स करूंगी वेट एंड वाइल्ड का लिक्विड हाइलाइटर। ये मेरे स्किन को एक हेल्दी ग्लो देगा। और इसे ब्लेंड करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर दो कलर का फाउंडेशन ब्रश। और इसे मैं अच्छे से टाइम लेकर ब्लेंड करूँगी ताकि ये मेरे स्किन में अच्छे से ब्लेंड हो जाए। अपने अंडर आई एरिया को हाईलाइट करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ पैक का स्पॉटलाइट कंसीलर। आज मैं सिर्फ अंडर आई एरिया को ही हाईलाइट कर रही हूँ। एंड दिस कंसीलर इज़ सो गुड गाइज, दिस इज़ सो फुल कवरेज और ड्राई भी नहीं करता है अंडर आई एरिया को। एंड टू सेट माई फेस आई एम यूजिंग मेबलिन फिट मी लूज पाउडर इन द शेड लाइट और इसे मैं वेट स्पॉन्ज की हेल्प से ही लगाऊंगी। मुझे लाफ लाइन्स पर बहुत जल्दी केकी हो जाती है मेरी फाउंडेशन, इसलिए मैं यहाँ पर अच्छे से सेट करूँगी। और उसके बाद अपने फेस को वार्म्थ देने के लिए, कलर देने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ बेनिफिट हूला ब्रॉन्जर। दिस प्रोडक्ट इज़ सो गुड, बिल्कुल बटर लाइक कंसिस्टेंसी है, बहुत अच्छे से ब्लेंड होता है, इसका शेड भी काफ़ी अच्छा है। अब मैं अपने फोरहेड को भी ब्रॉन्जअप कर रही हूँ क्योंकि मेरा फोरहेड थोड़ा ब्रॉड है। अपनी जॉ लाइन को भी कॉन्टूर करूँगी। एंड फॉर माई ब्लश आई एम यूजिंग कलर बार ब्लश इन द शेड स्वीट स्कारलेट। आजकल ये मेरा बिल्कुल फेवरेट ब्लश है, बहुत सुंदर शेड है, बिल्कुल ब्लेंडेबल फॉर्मूला है और इसकी बेस्ट पार्ट है कि ये मैट है। देन आई एम सेटिंग माई फेस विद वेट एंड वाइल्ड सेटिंग स्प्रे और इसके बाद मैं बेनिफिट का ब्राउ से अपनी ब्राउ भी कर लूँगी। मैं इस वीडियो में ब्राउ रूटीन नहीं दिखा रही हूँ, पहले बहुत सारे वीडियोस में मैं दिखा चुकी हूँ। और देन मैं अपना आई मेकअप करूँगी। मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ मॉर्फी का 39A पैलेट और सबसे पहले मैं ट्रांजिशन कलर के लिए ये लाइट पीचिश कलर ले रही हूँ और मैंने इसे एक फ्लैट ब्रश पर यूज़ किया है। फ्लैट बट फ्लफ़ी ब्रश है ये मॉर्फी का ब्रश है और इसे मैं अपने ट्रांजिशन एरिया पर लगा रही हूँ और थोड़ा सा इसे मैं बिल्डअप करूँगी इस कलर को। इसे मैं अपनी लोअर लैश लाइन में भी ब्लेंड करूँगी। इसके बाद मैं ये बर्न्ट ऑरेंज कलर ले रही हूँ और इसे मैं अपनी क्रीज में ब्लेंड करूँगी। यहाँ पर मैं एक स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश का यूज़ कर रही हूँ, ये भी मॉर्फी का ब्रश है, इसका नंबर है 507। इस कलर को मैं अपने आईज़ के आउटर कॉर्नर्स में भी ब्लेंड करूंगी। इसके बाद मैं एक स्मॉल डिफाइनर ब्रश पर ये डार्क ब्राउनिश कलर ले रही हूँ और इसे मैं अपने आईज़ के आउटर कॉर्नर्स में एक फेक विंग क्रिएट करूंगी। इससे मेरी आईज़ को एक डेफिनेशन मिलेगा आउटर कॉर्नर्स पर और इसे मैं थोड़ा सा ब्लेंड भी कर रही हूँ सेम ब्रश से।
और यहाँ पर गाइस मैं बिल्कुल भूल गई थी कि मैं ट्यूटोरियल बना रही हूँ। मेरा कैमरा ऑन है, मुझे एक कॉल आया था जो कि बहुत ज़रूरी था, इसलिए मुझे उसे लेना पड़ा। सो आई एम सॉरी फॉर दैट। इसके बाद मैं सेम ब्राउन कलर को स्मॉल ब्रश से ब्लेंड कर रही हूँ और उसे थोड़ा बिल्डअप कर रही हूँ। इसे मैं अपनी क्रीज में लेकर जाऊंगी, बट बहुत आगे तक नहीं, अपने आईज़ के हाफ वे थ्रू तक मैं इसे ब्लेंड करूंगी। इसके बाद मैं अपना ब्यूटी ग्लेज का पैलेट यूज़ करूंगी और इसमें से मैं ये मैट रेड शेड ले रही हूँ। इस शेड को मैं अपने लिड एरिया पर लगाऊंगी, बट मैं पूरे लिड एरिया को इससे कवर नहीं करूंगी। इसे मैं आउटर कॉर्नर्स के साथ ब्लेंड कर रही हूँ। ये कलर थोड़ा पैची था, इसे मुझे वर्क करने में थोड़ा टाइम लगा। इसे बिल्डअप करने में भी काफ़ी दिक्कत हो रही थी मुझे। मैंने इसे 2-3 बार अप्लाई किया और फिर ब्लेंड किया। इसके बाद मैंने अपनी क्रीज को कट किया। मैंने आज फुल कट क्रीज नहीं किया है, ये हाफ कट क्रीज किया है मैंने। और अभी जबकि ये कंसीलर वेट है, मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ मॉर्फी का 35F पैलेट और इसमें से मैं ये गोल्डन शिमरी कलर ले रही हूँ और इसे मैं जहाँ पर मैंने अपनी क्रीज को कट किया है वहाँ अप्लाई करूँगी। क्योंकि कंसीलर वेट है अभी, तो इसकी पिगमेंटेशन बहुत ही अच्छी आ रही है। इसके बाद मैं रेड और गोल्डन कलर के बीच ट्रांजिशन क्रिएट कर रही हूँ। मैं सेम क्रीज कलर यूज़ कर रही हूँ जो मैंने बर्न्ट ऑरेंज कलर यूज़ किया था, उसे मैं इन दोनों कलर्स को ब्लेंड कर रही हूँ। इसके बाद मुझे लग रहा था कि रेड कलर अगेन बहुत ज़्यादा पैची दिख रहा है, अच्छे से ब्लेंड नहीं हुआ है, तो एक बार मैं फिर से रेड कलर को अपने लिड एरिया पर लगा रही हूँ और उसके बाद मैंने यहाँ पर ब्लेंड किया है सभी आई शेडोज़ को। अब मैं लोअर लैश लाइन पर भी सेम कलर्स को ब्लेंड कर रही हूँ, क्योंकि लोअर लैश लाइन को भी आप उतना ही स्मोक आउट करें जितना कि आप अपर लिड को करते हैं, तब भी एक आई लुक जो है परफेक्ट दिखती है। और देन अगर इंडियन वियर के साथ मेकअप करना हो और काजल नहीं हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो आज मैं काजल यूज़ नहीं कर रही हूँ। ये मेबलिन का जेल आईलाइनर है, इसे मैं अपनी वाटर लाइन पर लगाऊंगी और अपने आउटर आईज़ को मैं थोड़ा सा थिक कर रही हूँ सेम जेल आईलाइनर से। इससे मेरी आईज़ को एक अच्छा सा शेप मिलेगा और वो थोड़ी बड़ी भी दिखेंगी। और अब मैं ब्लैक आई शेडो से इस काजल को ब्लेंड कर रही हूँ, थोड़ा सा स्मोक आउट कर रही हूँ ताकि ये ज़्यादा हार्श नहीं लगे। और उसके बाद मैंने सेम क्रीज कलर्स को नीचे ब्लेंड किया है एक स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से। और अब मैं यहाँ अपर वाटर लाइन को भी टाइट लाइन कर रही हूँ। यहाँ पर मैं अपर लिड पर लाइनर अप्लाई नहीं करूँगी आज, एक थिन लाइन क्रिएट करूँगी सेम आई पेंसिल की हेल्प से। इससे जब मैं फॉल्सेस अप्लाई करूँगी तो वो अलग से नहीं दिखेंगी और मेरी आईज़ को एक डेफिनेशन भी मिलेगा। देन आई हैव कर्ल्ड माई लैशेज और मैं मस्कारा लगा रही हूँ। ये मेबलिन का मस्कारा है। फॉल्सेज लगाने से पहले आप अपने आई लैशेज को ज़रूर प्रेप करें, उन्हें कर्ल करें, मस्कारा लगाएं ताकि वो फॉल्सेज के साथ अच्छे से मर्च हो जाएं। और हाइलाइटर मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ मेरा फेवरेट बेका शैम्पेन पॉप। इसे मैं अपने फेस के सारे हाई पॉइंट्स पर लगाऊंगी एंड लुक एट द ग्लो गाइज, आई एम लविंग दिस हाईलाइटर। अपने आईज के इनर कॉर्नर्स और ब्राउ बोन को भी मैं सेम हाईलाइटर से ही हाईलाइट करूंगी।
फॉर माई लिप्स आई एम यूजिंग नायका लिप्स डोंट लाई लिप लाइनर इन द शेड पिलो फाइट आई गेस। मैं सभी प्रोडक्ट्स का डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। मैं इस लिप लाइनर से अपने लिप्स को फिल भी करूंगी। देन आई एम अप्लाइंग कलर पॉप लिक्विड लिपस्टिक, बट इसके बाद मुझे लगा कि ये शेड इस आई लुक के साथ नहीं जा रहा है, ये थोड़ा ज़्यादा पीछे दिख रहा है, तो मैंने यहाँ पर यूज़ किया वेट एंड वाइल्ड का लिक्विड लिपस्टिक इन द शेड गिव मी मोका। और इसके बाद मुझे ये कलर बहुत ही सुंदर लग रहा था, बिल्कुल परफेक्ट न्यूड। और इसके बाद मैंने वेयर कर लिया मेरा दुपट्टा, मेरी ज्वेलरी, माई फेवरेट बिंदी। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा होगा। गाइज प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्लीज़ सपोर्ट माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं चलती हूँ अब और आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।